महाकाल घाटी पर मंगलवार को एक बार फिर ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक के बीच में विवाद हो गया और ये इतना ज्यादा बड़ा कि ऑटो चालक हैदर ने ई रिक्शा चालक आनंद वेश्य के साथ मारपीट कर दी। यह देख ई रिक्शा में अपने परिवार के साथ बैठे दिल्ली से आए श्रद्धालु शुभम ठाकुर ने बीच बचाव की कोशिश की तो हैदर और उनके साथियों ने उनसे भी मारपीट कर दी, जिसमें शुभम की आंख पर चोट लगी और उसके कपड़े भी फट गए। इसी बीच शुभम के साथ आई परिवार की महिलाओं ने विवाद को रोकने की कोशिश की तो ऑटो चालक हैदर ने उन्हें भी धमकाया। घटना का 37 सेकंड का वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी श्रद्धालुओं को धमकाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्होंने विवाद को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बाद श्रद्धालु शुभम ठाकुर और ई रिक्शा चालक आनंद वेश्य महाकाल थाने पहुंचे और प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी हैदर को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही ऑटो और ई रिक्शा चालकों को यह समझाइश भी दी कि यदि भविष्य में सवारी या दर्शनार्थियों के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आते दर्शन करने के लिए हम ई रिक्शा लिया हमने महाकाल मंदिर जाने के लिए, तो चौक है हमारा महाकाल एक जगह, वहाँ पे ऑटो ड्राइवर ने बोला कि सवारी के चक्कर में झगड़ा करा कि आपने कैसे बैठा लिया, और उसने अपना नाम हैदर बताया और कार्रवाई में हैदर नाम पता चला उसका। और उसके बाद हमने समझाने की कोशिश करी, गाली गलौज उसने स्टार्ट करी ई रिक्शा वाले के साथ, फिर हमने उसे समझाने की कोशिश करी, फिर उसने मेरे साथ हाथापाई करी, मेरा कुर्ता फट गया, मेरी आँख पे भी चोट आई है। उसके बाद यहाँ पे हमने कंप्लेंट करी है वो थाने पे, थाने वालों ने अपना कार्रवाई लिए, पकड़ लिया है और अब उसके अगेंस्ट चार्ज भी लगा रहा है। श्रद्धालुओं को लेकर जो कि बाहर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं ये श्रद्धालु, इन्हें लेकर हम महाकाल घाटी पर आ रहे थे। महाकाल चौराहे पर एक ऑटो वाले बाबूजी जो कि थोड़े से अपशब्द भी बोल रहे थे, वो गाली गलौज कर रहे थे, मैंने कहा कि बाबूजी आप देख कर चलाएं, उन्होंने सीधा कट मारा और बिल्कुल हमेशा भी गाली गलौज श्रद्धालु से भी गाली गलौज, जब श्रद्धालु भाई साहब ने कहा कि गाली मत बको आप हम बाहर से हैं, तो इनसे खींच कर मारपीट और मुझसे भी मारपीट, और वहाँ के उनके कुछ सदस्य भी थे जिन्होंने मारपीट की और हम लोग फिर सीधे जी उन्होंने एकदम रॉन्ग साइड मतलब क्रॉस करके जा रहे थे, तो हम लोग रिक्शा पलट भी सकता था, जिससे हमने कहा कि भाई साहब आराम से चलाएं, तो उन्होंने उसके बदले हमें गाली गलौज करी और श्रद्धा से मारपीट। आरोपी को मैं नहीं जानता, अभी आपने क्या रिपोर्ट दिखाई? अभी हमने पुलिस थाने में आकर हमारी कंप्लेंट लिखाई है, महाकाल थाना। आपका नाम होगा आनंद वेश।